हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक एंड ट्रस्ट मी के लास्ट पार्ट में आप सभी ने सुना कि आकृति बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगती है। रात काफ़ी हो चुकी होती है और जॉर्डन के पास फ़ोन किया जाता है। जॉर्डन आकृति को लेने के लिए निकलती है और संजू को भी कॉल करती है। संजू जैसे जॉर्डन का नंबर देखती है वो कहती है, यार इस लड़की को जब बुलाने की कोशिश करती हूँ ये पटाखा तभी मेरे दिमाग में फूटने लगता है। अरे ये जॉर्डन, तुम ऑलरेडी किसी के साथ हो यार, क्यों मेरे दिमाग में फूट रही हो पटाखा बन के, कहीं और फूटो ना। दिमाग के साथ साथ दिल भी जल रहा है मेरा। खैर जॉर्डन बार बार कॉल करती है तो वो उठा लेती है। कहती है बोलो। कहती है अक्की ने बहुत ड्रिंक की हुई है और खड़े होने की स्थिति में भी नहीं है, उसे लेने जा रही हूँ, अगर तुम्हारा मन है तो आ जाना। तो ये कह के जॉर्डन फ़ोन कट कर देती है। अक्की कहती है फुटता हेल, मतलब कितनी एटीट्यूड में बोला इस लड़की ने। भाई मेरी कज़न है, मैं लेने क्यों नहीं जाऊँगी। लेना हो तो आ जाना। पटाखा एक बात याद रखना, जिस दिन भी मुझे एहसास हुआ ना कि मेरे दिल में ये फीलिंग्स रियल है, उसी दिन तुम्हें अपना बना लूँगी, याद रखना। उसी दिन से तुम्हें अपना बनाने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ये बोल के वो फटाफट रेडी होती है। तो उसकी मॉम कहती है कहाँ जा रही हो तुम इतनी रात को। तो कहती है मम्मा आ रही हूँ, यहाँ क्या रात और क्या दिन। कहती है शराबा, चुपचाप अंदर बैठो। अरे मम्मा वो अक्की की तबीयत ठीक नहीं है, उसके घर जा रही हो। तो कहती है अच्छा ठीक है जाओ। तो वहाँ से वो लोग निकलते हैं और जॉर्डन के बताए हुए एड्रेस पे संजू पहुंचती है। तो जॉर्डन उस समय अक्की के साथ ही होती है। तो जैसे ही वो जॉर्डन को देखती है बस देखती रह जाती है। जॉर्डन ने एक लॉन्ग टी शर्ट पहनी हुई थी और लोअर पहना हुआ था, ओवर साइज टी शर्ट, बड़ी क्यूट लग रही थी। संजू से देखती है तो उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगता है। वो अपने दिल पे हाथ रखकर कहती है धीरे तो धड़क ले गधे, किसी ने सुन लिया तो। उसका दिल कहता है नहीं है मेरे कंट्रोल में, और सुन लिया तो सुन लिया, मैं क्या कर सकूँ। तो कहती है तू ना खुद भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा, और तेरे चक्कर में जो मैं इतनी बार मरा हूँ उसका क्या। अरे मेरे बाप मेरे से बाद में लड़ लियो, पहले इस दिल। अरे मेरे भाई शांत हो जा, इतनी ज़ोर से क्यों धड़क रहा है, कोई दूसरा भी सुन लेगा, कोई फ़ायदा है क्या। कंट्रोल। तो वो अपने दिल को संभालती है। जॉर्डन कहते हैं तुम मेंटल हो क्या। हाँ क्या। तो वो कहती है क्या बोला तुमने मुझे। कहती है यू आर मेंटल। कहती है आई एम नॉट मेंटल ओके। तो कहती है अच्छा तो क्या हो तुम, ये बता दो। यहाँ तुम्हारी बहन ऐसे पड़ी हुई है और तुम आराम से खड़ी हो। तो संजू वो हकलाने लगती है। कहती है हाँ हाँ ठीक है, इसमें भी तुम्हारी गलती है पटाखा। तो जॉर्डन कहती है वो क्या क्या बोला तुमने, व्हाट डू यू से। तो कहती है पटाखा। तो कहती है व्हाट डू यू मीन बाई पटाखा। तो कहती है क्रैकर अंडरस्टैंड। कहती है शट अप यार। तो कहती है मैं तो तुम ही पूछ रही थी, मैं तो बता भी नहीं रही थी, तुम्हें ही जानना था, बता दिया तो अब शट अप बोल रही हो। तो कहती है अरे यार चलें, इसको लेके चलें। तो कहती है हाँ लेने ही आई हूँ तो लेके ही चलेंगे। हे भगवान ये लड़की है या बवाल है। जॉर्डन अपने मन में ऐसे बोलती है। खैर अक्की को वहाँ से उठाया जाता है और लेके आया जाता है घर पे उसके। अक्की तो बेहोश होती है सो जाती है मतलब। तो उसको लटा के जैसे ही जॉर्डन पीछे मुड़ती है वो संजू से टकरा जाती है। संजू उसकी कमर पकड़ लेती है और उसे बिल्कुल अपने पास खींच लेती है। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही होती हैं। संजू की हालत ख़राब हो रही होती है और जॉर्डन बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है। वो अपने आप को उसकी बाहों से छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जितना वो कोशिश करती संजू की पकड़ उतनी ही मजबूत होती। जॉर्डन खुद को संभाल के संजू को हल्का सा धक्का देती। धक्का देने के बाद दूर होती और संजू से कहती आर यू मैड ऑफ व्हाट। तो कहते हैं आई डोंट नो। तो कहते हैं यू आर गोन केस। तो कहते हैं मे बी। जॉर्डन संजू को एक साइड में बैठाती और कहती है लिसन संजू आई नो व्हाट आर यू फीलिंग। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ बट लिसन टू मी केयरफुली। मेरे तुम्हारे बीच में कुछ नहीं हो सकता, तो प्लीज़ कोई और ढूंढो। मैं किसी और से बहुत प्यार करती हूँ समझी। तो ये नहीं हो सकता जो तुम सोच रही हो। संजू कहती है मैं क्या सोच रही हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं सोच रही। कह रही है तुम्हारी आँखों में साफ पता चलता है ठीक है। तो प्लीज़ इसे अपने दिमाग से झटक दो, हम एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। संजू कहती है यार मेरे दिल दिमाग में कुछ नहीं है। कहती है खुद से झूठ बोल रही हो या मुझसे ये भी बता दो। कहती है किसी से झूठ नहीं बोल रही, नहीं है मेरे दिल दिमाग में कुछ भी तुम्हारे लिए। जॉर्डन की ये बातें संजू को कहीं ना कहीं वो इरिटेट कर रही होती हैं। जॉर्डन संजू को थोड़ा और समझाने का ट्राई करती है। वो कहती है देखो मैं जिसके साथ हूँ ना मैं उसके साथ बहुत लॉयल हूँ। तो संजू कहती है एक बात बताओ, तुम जब भी बात करती हो यही क्यों कहती हो कि तुम उसके लिए लॉयल हो। वो कितनी लॉयल है तुम्हारे लिए वो भी तो बता दो। कहती है शी इज़ टू लॉयल फॉर मी। कहती है अच्छा और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम में इंटरेस्ट ले रही हूँ। कहती है तुम्हारी हरकतें और तुम्हारी आँखें दोनों चीज़ बताती हैं ठीक है। कहती है गिरी तुम थी, मैंने तुम्हें जस्ट संभाला था, मेरे संभालने को तुम दूसरा नाम दे रही हो ठीक है। अगर कुछ नहीं है तो अच्छी बात है और अगर कुछ है तो कुछ हो नहीं सकता तो उसे भुला दो। ये कह के जॉर्डन वहाँ से खड़ी होती है और जाने लगती है। तो संजू जॉर्डन का हाथ पकड़ के उसे जोर से खींच लेती है। जॉर्डन जस्ट संजू के ऊपर जाके गिरती है। संजू जॉर्डन की कमर पकड़ती है और उसे अपने आप से सटा लेती है। कहती है और अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें उससे छीन लूँगी तो। जॉर्डन आके फाड़ के संजू को देख रही होती है। उसे यकीन नहीं होता कि संजू ऐसा कुछ कह देगी। वो उठने की कोशिश करने लगती है तो संजू से और पूरी तरह जकड़ लेती है। जॉर्डन परेशान होने लगती है और कहती है प्लीज़ संजू छोड़ो मुझे। कहती है नहीं छोड़ूँ तो क्या कर लोगे मेरा, मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। अगर मैं तुम्हें उससे छीन लूँ तो बोलो। कहती है मुझे उससे छीन के तुम करोगे क्या? जहाँ तक मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ, तुम्हारा हर तीसरे चौथे लड़की लड़के से अफेयर होता है। तुम एक पर टिक ही नहीं सकती और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे छीनने से मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी? ये कभी नहीं हो सकता। ये कह के जैसे वो ये कहती है, संजू की पकड़ थोड़ी सी ढीली होती है और जॉर्डन मौका देख के उसके ऊपर से उठ जाती है और कहती है डोंट यू डेयर अगेन। इस तरह की हरकत मैं टॉलरेट नहीं करूँगी। बाकी की लड़कियों की तरह नहीं हूँ संजू मैं यहाँ आके ज़रूर हूँ बट मेरे अपने कुछ रूल्स और एटिकेट्स हैं, समझी? तो संजू उठती और कहती है हाय पटाखा। तो कहती है शट अप एंड डोंट कॉल यू पटाखा। तो कहती है ओए होए होए होए। एनीवे मेरी बात सुनो। कहती है मुझे अब तुमसे कोई बात करनी ही नहीं है, मेरी बात सुन लो तुम। कहती है नहीं सुननी मुझे तुम्हारी एक भी बात, समझी? तुम्हें जो कहना था तुमने, मुझे पूजा के बारे में तुमसे बात करनी, अपने बारे में नहीं। पूजा का नाम सुन के वो रुक जाती है। कहती है बोलो। पूजा से बात करनी पड़ेगी, नहीं तो ये लड़की पागल हो जाएगी, समझे तुम? तो जितनी जल्दी हो सके पूजा से मिलते हैं और उसे समझाने का ट्राई करते हैं। कहती है पूजा को वक्त चाहिए। अरे किस बात का वक्त चाहिए जॉर्डन? जब इसने कोई गलती नहीं की है तो ये किस बात की सज़ा भुगते, ये बता दो मुझे। कहती है चलो ठीक है, देखते हैं, बात करते हैं। कहती है जब भी मिलना हो तो प्लीज़ मुझे बता देना, मैं साथ में उस छमिया से मिलना चाहती हूँ, उसके छम बंद करवाना चाहती हूँ। तो ये सुन के जॉर्डन अपने सर पे हाथ मार लेती है और मन में बड़बड़ाती छमिया पटाखा पता नहीं क्या क्या नाम रखती है लड़की। ऐसे बोल के वहाँ से जाने लगती है। तो संजू कहती है मैं ड्रॉप कर दूँ तुम्हें, काफ़ी रात हो गई है। तो कहती है नहीं मैं गाड़ी लेके आई हूँ, मैं चली जाऊँगी, इस बार मैं कैब से नहीं आई। कहती है श्योर ना? कहती है हाँ श्योर, मैं चली जाऊँगी, मेरी ज़्यादा टेंशन लेने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है और मुझसे जितनी दूरी बना के रख सको उतनी दूरी बना लो, बाय टेक केयर। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। तो देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। और आप सबको ये भी बताना चाहूँगी कि आने वाले एपिसोड्स में मेरी भी एंट्री होने वाली है। मैं भी अक्के की कहानी का कुछ हिस्सा रह चुकी हूँ, तो मेरी और मेरी वाइफ दोनों की एंट्री इस एपिसोड में होने वाली, मतलब इस स्टोरी में होने वाली है। बट कब होने वाली है ये नहीं बताऊँगी, ये तो आपको स्टोरी के साथ ही पता चलेगा। सो बाय बाय, टेक केयर। क्यों दिमाग में उथल पुथल होनी भी चाहिए। तो अभी जॉर्डन और संजू का क्या होने वाला है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। और पूजा मैडम मानेंगी या नहीं मानेंगी ये तो ऊपर वाला जाने, ना मैं जानती हूँ ना आप। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आप सब अपना।